दुनिया में मुर्दे हैं सब, मुर्दों से दिल मत लगाओ। लड़का हो या लड़की हो, पहले भी शेर सुन चुके हो कि एक दिन सबकी, लड़का जवान और लड़की जवान, सबकी कमर झुक कर कमानी हो जाएगी। वाह, सुन लो मेरा शेर, पिछले जुमा को भी शायद सुना हो। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। काल पिचकने वाले हैं आंखों में, जो आंखें तीर का सदा तीर रखती हैं, उनकी आंखों से कीचड़ बहने वाला है। 11.5 नंबर का चश्मा लगेगा, वो आंख नहीं मालूम होगी। आप गौर से भी देखेंगे कि आई ये वही आंख थी जिससे हम मकतूल थे, कतीले, जिसकी आंखों से कतील और मकतूल थे, आज उसका क्या हाल। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स किसी के हुस्न पर फिदा हो गया, यह है जालिम चीज। इसीलिए तो नजर हराम है, नजर को हराम ऐसे थोड़ी कर दिया अल्लाह ने, बिला वजह मशक्कत से बचाया हमको और हमें मुसीबत से बचाया। अल्लाह ताला की रहमत है जिसने नजर वक्त को हराम फरमाया। अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदे चैन से सोए, सुख की जिंदगी गुजारे, चैन से सोए, आराम से रहें। लिहाजा उसकी नींद हराम हो गई, अपने वतन वापस चला गया। हर महीने में खत लिख रहा है कि तारे गिनते हैं, आहोजारी करते हैं, अख्तर शुमारी करते हैं। अख्तर शुमारी माने तारा गिनना, कहीं मुझे न समझ लेना भाई, अख्तर माने तारे के हैं वो, अख्तर शुमारी यानी तारे गिनते हैं, आहोजारी करते हैं और शब बेदारी करते हैं। चैन नहीं, नींद नहीं उड़ी हुई, वो अपना ऐसे ही जवाब भी नहीं देता था उसका माशो। इस तरह से 5 साल गुजर गए। 18 साल में देखा था उसने, बल्कि 17 ही साल लगते, 17 साल की उम्र में देखा था उसको। 5 साल गुजर गए, जब 22 साल हो गए तो वो सारे खतूत की कोट लेकर आया थैली में भर के और वहां मिलने आ गया। देखा तो नक्शा जोग्राफिया बदला हुआ, 5 साल में जोग्राफिया बदला हुआ, उधर जोग्राफिया बदला, इधर तारीख भी बदली, न उनकी हिस्ट्री बाकी न मेरी मिस्ट्री बाकी। उधर जोग्राफिया बदला, इधर तारीख भी बदली, न उनकी हिस्ट्री बाकी न मेरी मिस्ट्री बाकी। अब उसने देखा या अल्लाह, ये तो बड़े बड़े अजीब के आदमी, शक्ल बिल्कुल बंदर किसी होगी, मेरा वो बंदरगाह कहाँ गया जहां मैं जहाज को लंगरअंदाज कर रहा था, ये तो बंदर हो गया, सचमुच का बंदर हो गया। शक्ल बिगड़ी हुई, गालों पर बेशुमार बाल, मोश दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई। तो उसने मारे शर्म के अपने इश्क की भरम रखने के लिए खतूत पढ़ना शुरू कर दिया। नीचे देखा नहीं जाता था, वो गया बजबान हाल यूं कह रहा था कि देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूं। यानी हुस्न का कब्रस्तान देखना आसान है, हुस्न का कब्रस्तान मिला हुआ था, देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूं। अब उसने मारूमी फरमाते हैं कि अपने इस की भरम इज्जत रखने के लिए उसने खत पढ़ना शुरू कर दिया कि फला महीना नवंबर में और सितंबर में ये सितम हुआ था, सितंबर के महीने में ये सितम हुआ था है? और दिसंबर में ये हुआ था। खत पढ़ना शुरू कर दिया, वो समझ गया कि अब इससे मेरी शक्ल बिगड़ी हुई और मेरा चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ा हुआ, इससे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए नजर झुकाकर खत से काम ले रहा। बस कुछ दो एक खत सुना, उसके बाद एक तमाचा मारा कस के और कहा कि जालिम, जब ये तो फिराक और जुदाई का खत है, जब मैं सामने हूं तो आप मुझे क्यों नहीं देखता? ये खामखा अपनी पर्दा को वो कर रहा है, बहानेबाजियां कर रहा है, नीचे देख रहा है, देखा नहीं जाता। आरजी हुस्न का यही अंजाम होता है। हाजी इमदादुल्लाह साहब शेखुल अरब वाल आजम फरमाते हैं, दुनियावी और नफसानी मोहब्बतों का अंजाम नफरत और अदावत। सुन लो इसको, खूब गौर से सुन लीजिए, जवान बच्चे भी इसको, मैं जवाना ने चमन से खिताब भी कर रहा हूं। क्या बात, सुभान अल्लाह, देखो ये क्या है, एक दिन अच्छा आने वाला है। लिहाजा जब उसने कहा कि क्या बताएं, कैसे देखूं आपको, उसका जुमला मैं वो नकल कर रहा हूं जो मारूमी ने मसनवी में बयान किया। जब उस आशिक ने देखा कि जोग्राफिया बदला हुआ है और हुस्न का कब्रस्तान बन चुका, न आंखों में वो कशिश न गालों में वो बात, लिहाजा उसने कहा कि भाई बात यह है कि तुम तो वही हो और चेहरा भी वही है, तालाब वही है पानी वो नहीं है उसमें। ये उस मौलाना का जुमला कि तालाब तो वही है जो 5 साल पहले था मगर उसका पानी बदला हुआ है, लिहाजा ये चेहरे वो तालाब हैं जिनके पानी बदलते रहते हैं, हर 10 साल के बाद जोग्राफी बदलते रहते हैं। अपनी जिंदगी को जाया मत करो, दुनिया में एक ही दफे आना है और अल्लाह को से दिल लगाना है, हुस्न फानी से दिल बचाना है और अल्लाह से दिल लगाना है, और दिल का लगाना अल्लाह से और हसीनों से दिल का बचाना ये खानकाहों से सीखना है।